तो क्या हाल चाल है दोस्तों आपके। मेरा नाम महेश और आप देख रहे हैं गीक माही। और दोस्तों आज मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि दोस्तों आज मेरा जो एक्साइटमेंट लेवल है वो बहुत ही ऊपर चला गया है। क्योंकि दोस्तों आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने वाला हूँ दोस्तों उस वीडियो पर मेरे 1000 व्यूज़ कम्प्लीट हो चुके हैं। तो उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया क्योंकि दोस्तों वो मेरे यूट्यूब चैनल का अभी तक का सबसे मोस्ट व्यूड वीडियो है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको यहाँ पर आई बटन में कार्ड दे रहा हूँ, आप वो वीडियो जाकर ज़रूर देखिएगा। मैं दोस्तों आज इस वीडियो में आपसे उस टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूं कि दोस्तों कई लोगों को यह परेशानी हो रही है कि वो अपने जियो को रिचार्ज तो कर ले रहे हैं 401 रुपए से, बट दोस्तों वो जो प्लान है उसको वो एक्टिवेट नहीं कर पा रहे हैं, उनको काफी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और मुझे कई सारे कमेंट्स भी आए मेरे कई व्यूअर्स के, तो दोस्तों उन सभी को मैं रिप्लाई करूंगा इस वीडियो को लास्ट में। पहले मैं आपको दोस्तों बताऊंगा कि क्या क्या आपको बातें ध्यान में रखनी है और किस तरीके से इस प्लान को एक्टिवेट करना है। मैं आपको एक एक चीजें पूरी तरीके से आपको डिटेल में इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपसे मेरी कोई नोटिफिकेशन मिस ना हो। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों मैं यहां पर वीडियो को आपको कुछ इस तरीके से समझाऊंगा कि पहले मैं थोड़े से क्वेश्चन को आपको बताऊंगा, फिर उसके बाद उनके मैं आंसर को आपको बताऊंगा। तो दोस्तों मैं सबसे पहले यहां पर बात करूं कि दोस्तों कई लोगों को यह प्रॉब्लम हो रही है कि वो अपने इस पैक को एक्टिवेट नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने अपने जियो नंबर को रिचार्ज तो कर लिया लेकिन दोस्तों वो किस तरीके से एक्टिवेट करेंगे वो दोस्तों वो उन लोगों को तरीका नहीं पता है। तो दोस्तों उन लोगों के लिए मैं बता दूं सबसे पहले आपको कि दोस्तों आप पहले ये चेक कीजिए कि आपने जो रिचार्ज किया है वो एक्टिवेट हो चुका है कि नहीं। जो 401 रुपए वाला आपका प्लान है उसको आप माई जियो ऐप में जाकर माई प्लान में जाकर आप चेक कीजिए कि जो आपका प्लान है वो एक्टिवेट हुआ है कि नहीं। अगर वो एक्टिवेट हो चुका है तो समझिए दोस्तों आपका आधा काम वहां पर पूरा हो चुका है। उसके बाद आपको ये करना होगा दोस्तों कि अगर आपका हॉटस्टार किसी दूसरे नंबर से लॉग इन है तो दोस्तों आपको एक काम करना होगा, दूसरे नंबर वाले हॉटस्टार को आपको तुरंत लॉग आउट करना होगा और जिस नंबर को आपने रिचार्ज किया है जो जियो नंबर है आपका उसके नंबर से आपको अपने हॉटस्टार को लॉग इन करना होगा, तब जाकर जो दोस्तों आपका ये सब्सक्रिप्शन पैक है वो एक्टिवेट होगा। तो दोस्तों कई लोगों को ये प्रॉब्लम हो रही थी कि किस तरीके से मेरा जो प्लान है वो एक्टिवेट होगा। तो दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आपने रिचार्ज कर लिया है और सोच रहे हैं कि मेरा प्लान एक्टिवेट होगा भले ही आपने दूसरे मोबाइल से लॉग इन किया हो, तो दोस्तों उसको आप फट से लॉग आउट कीजिए और आप अपने सेम जियो नंबर से लॉग इन कीजिए। पक्का दोस्तों आप देखिएगा कि आपका जो हॉटस्टार और डिज्नी वाला पैक है वो एक्टिवेट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी है कि क्या हम ये जो हॉटस्टार और जियो वाला प्लान है अगर मैंने उसको अपने जियो नंबर से रिचार्ज किया है तो क्या मुझे उस स्पेसिफिक मोबाइल में ही नंबर को चला सकता हूँ या किसी दूसरे डिवाइस में भी या अपने दोस्तों के साथ भी अपने नंबर को शेयर कर सकता हूँ। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर आपकी सुविधा के लिए बता दूँ, आप चाहें तो अपने दोस्तों के साथ अपने नंबर को शेयर कर सकते हैं, जो आपका लॉग इन अकाउंट है उसको आप शेयर कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि आप एक टाइम पे दो दो डिवाइस एक साथ नहीं चला सकते हैं, यानी कि अगर आप एक स्क्रीन पर अपना अपना मैच एंजॉय कर रहे हैं और दूसरे स्क्रीन पर उसी टाइम आपका दोस्त एंजॉय कर रहा है तो दोस्तों उस टाइम पर आपका जो प्लान है वो वर्क नहीं करेगा, ये कहेगा। मैं आपको यहां पर स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं जिसमें ये कह रहा है कि आपको पहले एक डिवाइस में लॉग आउट करना होगा तब जाकर आपका वो वीडियो यहां पर चलेगा। वही दोस्तों अगर आप अपने दोस्त को कह देंगे कि कुछ देर बाद आप इस वीडियो को प्ले कीजिए, सबसे पहले मैं देख लूं फिर उसके बाद आप देखिएगा, तो ये तरीका हो सकता है। आप चाहें तो एक साथ इस प्लान को दो मोबाइल में एक्टिवेट कर सकते हैं, दो से, या चाहे तो आप तीन चार मोबाइल में भी एक्टिवेट कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है दोस्तों। तो दोस्तों यही कुछ डाउट्स थे आपके जिनको मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करने आया था। तो दोस्तों अब यहाँ पर मैं अपने व्यूअर्स जिन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा है अब मैं उनके क्वेश्चन को यहाँ पर पिक करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करता हूँ अमन जायसवाल की, तो उन्होंने कहा है नाइस डिटेल, तो थैंक्स भाई। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। और पालाकेति भार्गव जी का क्वेश्चन है यहाँ पर कि हाउ मच टाइम डज इट टेक फॉर द एक्टिवेशन ऑफ VIP ऑन द जियो नंबर। तो भैया मैं आपको ये बता दूं कि ये कोई भी कि आपको यहाँ पर कोई भी टाइम स्पेंड नहीं करना पड़ता है, जैसे ही आप इसको रिचार्ज करेंगी ये फट से आपके मोबाइल में एक्टिवेट हो जाएगा। बस आपको ये करना है कि जिस मोबाइल को आपने रिचार्ज किया है उसी को आप अपने हॉटस्टार को लॉगिन कीजिएगा। तो यहाँ पर सुनील कुमार सनी जी ने कहा है थैंक्स बड़ी इट्स यूजफुल, तो थैंक्स ब्रो। और यहाँ पर स्पर्श गोयल ने कहा है कि बहुत बहुत शुक्रिया, तो थैंक्स भाई।
और अभिषेक सिंह ने कहा है वेरी नाइस वीडियो, तो भाई आपको भी थैंक्स। और भाविक शाह ने पूछा है कि हाउ मेनी यूजर्स कैन यूज द सब्सक्रिप्शन, तो दोस्तों ये आप लोगों के ऊपर है, आप इन्हें बताइए कि कितने लोगों ने अभी इस सब्सक्रिप्शन को ले रखा है। तो भारती पोड्डार जी का यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि माई अकाउंट इज नॉट एक्टिवेटेड, व्हाट शुड आई डू। तो भैया मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि अगर आपका जो ये हॉटस्टार वाला प्लान है, अगर आपने उसको एक्टिवेट नहीं कर पाया है, तो मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि सबसे पहले आप चेक कीजिए कि आपने जिस प्लान को लिया है वो एक्टिवेट हुआ है कि नहीं। अगर वो एक्टिवेट हुआ है तो आप ये चेक कीजिए कि आपने अपने मोबाइल में किसी दूसरे नंबर से अपने हॉटस्टार को लॉगिन तो नहीं किया है। अगर आपने वैसा नहीं किया है तो आप एक बार ये कीजिए कि आप उस ऐप को डिलीट कीजिए, फिर उसके बाद ऐप को इंस्टॉल करके फिर आप अपने जियो नंबर से अपने अकाउंट को लॉगिन कीजिए, तब आपकी जो प्रॉब्लम है वो पक्का सॉल्व हो जाएगी। यहाँ पर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर सूरज कोठुले जी ने पूछा है कि सर आई लॉग इन द अकाउंट बट आई नॉट गेट द VIP सब्सक्रिप्शन। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि अगर आपने अभी तक इस सब्सक्रिप्शन को नहीं पाया है, अगर आपने पहले से ही अपने नंबर को लॉगिन करके रखा था, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप अपने उस नंबर को लॉग आउट कीजिए और फिर से उसी नंबर से, यानी जिस नंबर को आपने रिचार्ज किया है उससे लॉगिन कीजिए, आपकी जो प्रॉब्लम है वो 100% फिक्स हो जाएगी। तो यहाँ पर 58 माविथ प्रभु ने पूछा है कि नहीं हो रहा है भाई। तो अगर नहीं हो रहा है तो मैं आपको बता दूं कि आपको वही स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। आप चेक कीजिए कि आपका प्लान एक्टिवेट हुआ है कि नहीं। अगर आपके मोबाइल में दूसरा कोई नंबर से अगर लॉगिन है तो उसको लॉग आउट करके फिर से लॉगिन कीजिए उसी सेम नंबर से, आपकी जो प्रॉब्लम है वो 100% सॉल्व हो जाएगी। तो दोस्तों यही कुछ थे मेरे जो व्यूवर्स थे उनके क्वेश्चन, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जान गए होंगे कि किस तरीके से इस प्लान को एक्टिवेट करना है अपने मोबाइल में।